हेलो गाइस, आप सभी का पेगासस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आपके सामने दिख रहा है एसएससी का सीजीएल मेंस का पेपर। तो हाँ, आज हम एसएससी सीजीएल के जो मार्च के अंदर मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसके पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पेपर लेंगे। चार पेपर हुए थे सीजीएल के, 2 तारीख को, 4 को, 2, 3, 6 और 7 तारीख, चार पेपर हुए थे। उनमें से हम फर्स्ट पेपर है उसको पूरा डिटेल से सॉल्यूशन लिखते हैं, आगे भी उन्हीं पेपर को भी करेंगे। तो आज हम इस पेपर के जो 30 क्वेश्चन आए थे टोटल, उन 30 क्वेश्चन के बारे में डिटेल से सॉल्यूशन के साथ में पढ़ेंगे कि वे किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्या पेपर का लेवल रहा था, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप बनते रहेंगे मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोला है कि इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल है QR। एक ट्रायंगल दिया जाए आपको, ट्रायंगल PQR के अंदर आपको बोला है PQ बराबर है QR के, ये दोनों साइड आपने बराबर कर ली। फिर आगे बोला कि O इज एन इंटीरियर पॉइंट, कि O इनके अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट है। और फिर बोला है कि ट्रायंगल PQR सच दैट कि ट्रायंगल एंगल OPR, कि यहाँ पर जो भी आपका एंगल है, एंगल OPR इक्वल कैसे होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ORP के बराबर होगा। तो OR एंड P, यानी ये एंगल आपका जितना होगा इसका जस्ट दुगुना ये होगा। अगर एंगल ये आपका थीटा डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा डिग्री, यानी एंगल ओ पी आर ट्वाइस है एंगल ओ आर पी के। तो अब आपको बोला गया कि आगे इनमें से कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो आपको देखने इनमें से पॉइंट के 3 पॉइंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट से कौन सा आपका कथन बिल्कुल सही होगा। तो पहला बोला गया कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी, एक अपने आस अलग होगी। तो आप देख रहे हैं, देखो ये ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर दो साइड बिल्कुल बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास है बिल्कुल कि पी क्यू आर एक समद्विभाजक समद्विभाव त्रिभुज है, तो बिल्कुल ये समद्विभाव त्रिभुज है। फिर आपको बोला कि ओ पी क्यू आर का केंद्रक है, सेंट्रोइड है। तो आपको बोला कि एक कहीं पर एक पॉइंट है, सेंट्रोइड हो ये जरूरी नहीं है। तो आपने देखा, अगर सेंट्रोइड होता तो अपने पास में साइड का रेशियो कुछ अलग तरह से होता। फिर अगला है कि पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू ओ। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता कि दोनों ट्रायंगल की भुजाएं अपने पास में बिल्कुल बराबर हों। तो आप यहां से देखेंगे भी पी क्यू ओ, कि जब भी ट्रायंगल आपके पास में पी क्यू एंड ओ और आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल आर क्यू ओ, तो आपको पता होना चाहिए कि पी क्यू बराबर होगी क्यू आर के एंड क्यू ओ बराबर होंगे क्यू ओ के एंड पी ओ बराबर होगा आर ओ के। क्या अगर ये तीनों कंडीशन सही बन रही है तो आपके पास तीसरा कथन भी सही हो सकता है। तो आपने देखा पी क्यू बराबर क्यू आर क्वेश्चन में गिवन है। फिर देखा आपने कि क्यू ओ बराबर होगा क्यू ओ के, तो क्यू ओ एंड क्यू ओ, यानी यहां पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट, तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है और इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है, तो ये बराबर हो गया। फिर पी ओ बराबर आर ओ, पी ओ बराबर होगा आर ओ, जब दो साइड बराबर होगी तीसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। तो आपके पास तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा अपने पास गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आपका थर्ड बिल्कुल सही होगा। तो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन था, तो इसका आप नोट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको प्रोबेबिलिटी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी नया टॉपिक मेंस के अंदर ऐड हुआ है। आप देखेंगे इसका क्वेश्चन, आपको बोला एक कांच के पात्र में, यानी कांच के डिब्बे के अंदर आपका 6 सफेद 8 काली 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं, और उसमें से आपको एक कंचा बिना देखे निकालना है कि किसी भी कलर का हो सकता है। लेकिन फिर आपने बोला कि आप प्रायिकता बताओगे ओनली ऑन
या तो ब्लैक होना चाहिए या फिर ब्लू, या तो ब्लैक होगा या फिर ब्लू। तो आपने देखा भाई कितने टोटल कंचे किस में से निकालेंगे, तो आपने बोला कि 6 व्हाइट है, 8 ब्लैक, 4 रेड एंड 3 ब्लू। तो कुल मिला के टोटल अपने पास कितने बैठ रहे हैं, तो आप देखें भाई 6 और 8 14 और 4 8 6 एंड 8 14 प्लस 4 18 प्लस 3 21 कि टोटल अपने पास 21। अब या तो ब्लैक आना चाहिए या फिर ब्लू, तो ब्लैक वाले कितने 8 और ब्लू वाले कितने 11 कि ब्लैक और ब्लू दोनों को ऐड किया जाए तो कितना बन रहा आपके पास में 11। तो अब आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो आप बोलेंगे आपके पास में अनुकूल कितने 11 और टोटल कितने अपने पास में 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11/21। ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना था, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपके पास में। अगला क्वेश्चन देखो, आपको आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बोला है कि भाई देर आर थ्री पाइप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तीन अलग अलग पाइप है जिसका आपको व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला कि इनके पानी भरने का अनुपात उसके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है, कि जो पानी भरेंगे उसके डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। फिर बोला कि सबसे बड़ा नल अकेले जब एक टंकी को खाली करेगा तो 81 मिनट लग सकते हैं। फिर बोला है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पहले एक की बात हो रही है फिर सभी को एक साथ में। तो आपके पास देखो तीन तरह के नल हैं, यानी एक्स वाई जेड तीनों का अलग अलग मैं नाम दूँ कि नाम दिया वैसे एक्स वाई और जेड तीन अलग अलग। तो इनके डायमीटर की बात करें कितना है 2, 3 एंड 4। अब आगे बोला आपको कि पानी भरने की इनकी क्षमता है वो व्यास के वर्ग के समानुपाती है, तो इनका अगर स्क्वायर करो आप 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर आपको बोला कि अब जो बड़े वाला नल है जिसके पानी भरने की क्षमता 16 है और ये 81 मिनट के अंदर खाली कर सकता है, तो आपके पास टंकी का टोटल वॉल्यूम कितना था, तो आप बोलेंगे भाई इसकी 16 के हिसाब से 81 मिनट का टाइम लगा था, टोटल आपके पास कैपेसिटी इतनी थी। अब जब तीनों नल को एक साथ भरोगे तो आपको टाइम कितना लगा यही पूछा गया, तो आपने बोला टोटल कैपेसिटी तो 16 × 81 और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए कैपेसिटी कितनी होगी 4 + 9 = 13 + 16 कितना हो जाएगा आपके पास में 29। अब देखो आगे आप सॉल्व करते हैं 16 × 81 16 × 1 16 carry 1 16 × 8 128 और 1 29 यानी 1296 के अंदर आप 29 का डिवाइड करेंगे। अब देखो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा अपने पास 3 × 4 30 यानी 4 बार भाग जाएगा, ऑप्शन आपका एक ही है जिसमें अंदर 4 आ रहा है, तो डायरेक्टली आप यहां से ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन करना है कि आपको पानी भर किस हिसाब से रहे, इसके स्क्वायर के बराबर, तो पहले बड़े वाले के टोटल के हिसाब से आप टोटल वॉल्यूम निकाले, फिर सभी से आपने उसी काम को करवाया है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, तो इसको आप नोट करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप देखते ही आपका आंसर आ सकते हैं। देखो आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि टेन ए प्लस बी का मान रूट थ्री है और फिर बोला गया टेन ए माइनस बी का मान 1/√3 है। तो अब देखो टेन रूट थ्री किसका मान होता है, टेन रूट थ्री 60 का मान होता है, यानी यहां पर ए प्लस बी की बात करें तो कितने डिग्री आएगा 60 डिग्री। और दूसरे वाले देखो टेन ए माइनस बी 1/√3 तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, कि टेन का कौन सी डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब देखो आप इन दोनों को जैसे सॉल्व करो बी से भी कट गया, 2a इज इक्वल अपने पास कितना आएगा 90 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो एक का मान अपने पास कितना आएगा 45 डिग्री, तो बाकी वाला कितना बच गया भाई, अगर आप एक का मान यहाँ पर रखो बी का मान आ जाएगा 15, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि ए एंड बी का मान, कि ए अपने पास 45 डिग्री आएगा और बी अपने पास में 15 डिग्री आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको ऑप्शन भी डी लगाना था 45 एंड 15। आप देखो इसमें भी ऑप्शन में सी में भी यही दिया गया, लेकिन इनका अरेंजमेंट देखो ए और बी का पूछा गया आपको, तो ये आपका आंसर गलत है,
और डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंचुरेशन क्वेश्चन है, आप ज्योमेट्री मिक्स भी मान सकते हैं। आपको बोला कि सर्कल टच ऑल फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त है, और फिर आपको इस क्वाड्रिलेटरल के साइड के बारे में दिया गया है एंड एक साइड का मान आपको पूछा गया है। तो ध्यान देंगे आप, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें और इसके अंदर एक स्क्वायर सॉरी सर्किल बनाए, तो इस तरह से आप एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसके अंदर सर्किल बनाओगे और जो सभी साइड को टच कर रहे हैं, इस तरह से आप बनाए जाए, यानी यहां पर आपके पास ए बी सी डी चारों भुजाओं को, ये डायग्राम सही नहीं बना, आप अंदर वाली लाइन को मानेंगे, इस बार वाले को छोड़ो, यानी यहां पर पॉइंट है ए बी सी एंड डी। अब देखो आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, कि आपको कौन सी साइड दी गई है और किसका मान आपको निकालना है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल बना, चारों भुजाओं को टच कर रहे हैं, तो ए से बी की लंबाई है 18, बी से सी की लंबाई आपके पास है 21 है, और ए से डी की लंबाई आपके पास है 15 है, और सी से डी की लंबाई आपसे पूछी गई है। अब देखो एक बात, कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल बना होगा तो हमेशा आमने सामने की साइडों का योग बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपना ये टेंजेंट होती है और एक पॉइंट से टेंजेंट निकलती है, तो दोनों तरफ बराबर बराबर लंबाई होगी, एक सर्कल चारों साइडों को टच कर रहा है। अब आपका आंसर आएगा 18 प्लस कि सामने वाली साइड अपने पास सी डी बचती है, और इसके बराबर होना चाहिए 15 प्लस 21, तो 15 और 21 कितने हो गए आपके पास में 36। इन दोनों ऐड करेंगे तो आपका सी डी का मान कितना आएगा, कि 36 में से आप 18 घटाएंगे तो आपका आंसर भी कितना आएगा 18। इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल चारों साइडों को टच कर रहा हो। तो अगला क्वेश्चन आप देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो अगर इस पेपर का बोला जाए सबसे आसान क्वेश्चन ये। आपको बोला कि यह संख्या किस नंबर से डिविजिबल होगी, तो आपने देखा लास्ट के अंदर 16 है, यानी लास्ट के दो अंक आप चेक करते हैं, आपको पता चला कि 16 के अंदर 4 का डिवाइड जाता है, तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं कि 4 यानी लास्ट के दो अंक चेक करते हैं, दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरे संख्या के अंदर भी 4 का भाग जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देखो आपके पास में, वापस ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे इसको कि दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों सहरेंक हैं, यानी वो फॉल एंड दोनों जहाज तीनों एक सीधी लाइन के अंदर है, कोलिनियर है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, यहां पर अपने पास अगर फॉल है और दो जहाज इस तरह से, यानी यहां पर फॉल है, यहां पर पहला जहाज है और यहां पर दूसरा जहाज है, और तीनों तीनों एक ही सीध के अंदर है, तो आपने ये लिखा। फिर आपको बोला है कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो जहाजों के बीच की दूरी आपको भी दे रखी है, आपको बतानी इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग कि यहां से यहां तक एंगल बनाया जाए और यहां से यहां तक एंगल बनाया जाए, तो आपको एंगल दिया गया कितना डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आप देखो ध्यान से कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो टेन 60 का मान अगर आपने यहां पर √3 रखा तो ये कितना आएगा 1, टेन 30 का मान होता है 1/√3, अगर ये √3 यानी 1 का मान √3 तो √3 का मान कितना हो जाएगा 3, आपस में रेशियो कितना बनेगा 3:1। तो आप यहां से देखेंगे टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक कितनी बन रही है, 3+1 कितनी है 4, इसका मान आपको देर का कितना है 200
तीस रूट तीन। तो फोर का मान अपने पास में 230 रूट थ्री, तो वन यूनिट का मान कितना आएगा 230 रूट थ्री अपॉन फोर। आपको पूछा इस प्रकाश स्तंभ की लंबाई कितनी होगी, तो प्रकाश स्तंभ की लंबाई कितनी है रूट थ्री, तो रूट थ्री का मान आपको निकालना है। तो आप बोलते हैं भाई 230 रूट थ्री अपॉन फोर, ये तो वन यूनिट का मान है, मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री का, तो रूट थ्री का मान आ जाएगा। करो आगे कैलकुलेट, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, 23 इंटू थ्री 69 यानी 690 अपॉन फोर। अब आप फोर का डिवाइड करें, भाग कितनी बार जाएगा एक बार, रिमाइंडर टू, और फोर का जाएगा 7 टाइम 28, फिर 1 बच गया, यानी 17 वाले दो ऑप्शन है, लेकिन पूरा भाग देंगे आप, फोर का डिवाइड 1 टाइम, रिमाइंडर टू, 7 टाइम 28, फिर रिमाइंडर 1 बचा, 10 के अंदर 8 का डिवाइड 2 टाइम और फिर 5, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का ठीक ठाक क्वेश्चन था, जिसको आप इस तरह से डायरेक्ट प्रॉपर्टी रख के सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, इससे भी जोरदार क्वेश्चन आपके पास में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कि एलजेब्रा क्वेश्चन डायरेक्ट देखो कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जिसका मान फोर देर का है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है आपको। देखो मेंस के पेपर में इतना आसान क्वेश्चन दिया गया, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रख लेना कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू आपको के दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होगा, कि इस यहाँ पर जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर माइनस टू आपका आंसर आएगा। तो आप इसमें खुद देख सकते हैं, फोर दिया गया तो फोर का स्क्वायर माइनस टू आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ेंगे आप लोग। देखो आपको बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का आपस में अनुपात क्या है। तो ध्यान देंगे आप, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं, तो आप बोलते हैं कि तीन संख्या की बात करें ए बी एंड सी, तीनों संख्या होगी, तीसरी संख्या को अगर आप 100 मानते हैं, तो आपको बोला पहली संख्या कितनी है 10% अधिक है, ये कितनी हो जाएगी 110, और दूसरी संख्या 25% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी 125। और अब आपको इन दोनों संख्याओं के बीच का ही रेशियो पूछा गया कि ए और बी का आपस में क्या अनुपात है, तो आप देखो इन दोनों का आप आपस में अनुपात निकालेंगे, तो आप बोला पाँच का भाग इसमें अंदर 22 बार जाएगा, इसमें पाँच का भाग 25 बार जाएगा, रेशियो कितना आएगा आपके पास में 22:25। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको सॉल्व करेंगे। तो देखो मेंस का पेपर बिल्कुल आसान सा आपके सामने है क्वेश्चन आपके। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपको बोला गया कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू एम्प्लॉय इज 7:4, दोनों के आय का रेशियो देर का है एंड उनका एक्सपेंडिचर भी आपको देर का है 3:1 के रेशियो में, और प्रत्येक आदमी 4,800 रुपये बचा रहा, ये इनकी सेविंग है, तो इनकम में से कुछ सेविंग कर ली जाए तो बाकी अपने पास खर्च हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही आपका इनकम होती है, खर्च और जब आप बचत को ऐड करते हैं तो आपकी टोटल आय आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ए एंड बी दो लोगों की बात करें और इन दोनों की इनकम की बात करें, तो इनकम का रेशियो आपको गिवन है, कितना रेशियो है 7:4। तो आप यह मानेंगे भाई ए की इनकम अगर मैं 7x मानूं और बी की इनकम अपने पास कितनी हो जाएगी 4x, दोनों ने हर बार सेविंग कितनी की है 4,800, और इसने भी सेविंग कितनी की है 4,800। अब देखो जैसे आप इनकम में से सेविंग घटाओगे बचेगा क्या आपके पास में खर्च, और खर्च का रेशियो आपको देर का है 3:1। अब देखो आगे जैसे सॉल्व करो, 1 का मल्टीपल इसके साथ हो जाए और ये पूरा इस साइड 3 के मल्टीपल साथ जाएगा, तो 1 × 7 7x − 4800 इक्वल, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 × 4 12x
48 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 3 24 कैरी 2, 4 इंटू 3 12 और 2 4, आपका आंसर कितना आएगा। तो ऐसे आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 7x माइनस 4800 इज इक्वल आएगा 12x माइनस 14400। आप देखो 7 को उस साइड ले जाएं तो कितना बचेगा 5x, और ये माइनस वाले साइड है प्लस, इसमें से घटेगा तो 14400 में से 4800 घटाओ कितना आएगा आपका आंसर, किस में से घटा लेते हैं तो 2014 में से 8 घटेगा 6, और अब बचा यहाँ पर 13 में से 4 घटाओ 9, तो आपके पास में 5x का मान कितना आया है 9600। आपको पूछा गया इन दोनों की आय का योग कितना होगा, यानी 7 प्लस 4 कितना होगा 11x। तो आपने देखा x का मान यहाँ से कितना आएगा 9600 डिवाइड बाई 5, तो 11x का मान आपको निकालना था, तो 9600 अपॉन 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 से, अब आपका आंसर आएगा। अब करो कैलकुलेट कि 5 का भाग देते आपका आंसर कितना आएगा, 5 का इसमें भाग देते ही तो आपको देखना कि जब 96 में डिवाइड करेंगे, जब भी 5 का भाग देते नंबर को डबल किया और पीछे से एक जीरो कट कर लेंगे, तो आप देखो 5 का भाग देते एक बार जाएगा, रिमाइंडर 4 बचा है, 46 में डिवाइड होगा 9 बार, 45 1 बचा फिर से डिवाइड होगा 2 टाइम और 0, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 11 से, तो आपने 11 का मल्टीप्लाई करें 0 2 और 9 11 फिर 1 9 और 1 और तो 11, तो आपका आंसर कौन सा आएगा अभी करो कैलकुलेट, यानी 1920 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 0 11 इंटू 2 22 आएगा, फिर कैरी 2 99 और 2 101, फिर 10 10 और 11 आपका आंसर आएगा 21, ये आपका आंसर आएगा 21120, ऐसे आपको सॉल्व करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप देखें भाई आपको बोला कि इफ रेडियस ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 48% देन बाई व्हाट परसेंट डज इट सरफेस एरिया डिक्रीज, क्या आपने इसकी रेडियस को 48% कम किया है तो इसका एरिया कितना कम हो जाएगा। तो पहले तो आप ये देखो कि इसके स्पेयर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास में 4πr² तो आपने देखा जो भी चेंजेस होगा ओनली ऑन रेडियस के अंदर चेंज होगा, यानी 4πr² पहले हैं तो बाद वाला भी 4πr² होगा, रेडियस चेंज हो सकती है, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन माइनस ए बी अपॉन 100, क्योंकि आपके पास में 40% कम कर दी गई है, तो आप इसके अंदर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि 48 प्लस 48 माइनस 48 इंटू 48 अपॉन 100 कि ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो आपने देखा 48 एंड 48 कितना हो जाएगा 96 माइनस 48 का स्क्वायर, तो आपने देखा 50 से 2 कम है यानी 4 और 23 4 और 100 की जगह से पॉइंट लगेगा 23.04, तो आप 23 इसमें से घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 0.4 की जगह, तो आपके पास बचेगा 96 बचाएगा, और इस साइड घटाएंगे आप 24 तो आपके पास बचेगा 2 एंड 7, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सम सही हो जाएगा कि जब भी रेडियस को 48% आप घटाओगे तो ओवरऑल आपका एरिया कितना घट जाएगा 72.96%। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो आपको, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का मान सकते हैं आप इसको, क्या आपने कोई चीज़ खरीदी है और उसको बेची है तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन होगा। तो आपको बोला कि 5000 में एक मशीन खरीदी और 6000 में बेच दी, फिर वापस से आपने 8000 में खरीदी और 10000 में बेच दी गई, तो जब आपने मशीन को खरीदा पहले 5000 में और फिर आपने मशीन खरीदी उसको खरीदा है 8000 में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपके पास में 5000 पहले और 8000 बाद में 13000, और पहली वाली मशीन को आपने 6000 में बेचा और बाद वाली को
10,000 में कुल मिला के सेलिंग प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा, 10 और 6, 16,000। तो आप खुद देख सकते हो प्रॉफिट कितना हो रहा आपको, यानी एसपी में से सीपी घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा 16 में से 13 घटाओ, 3,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब आपको पूछा कि प्रॉफिट बताओ परसेंटेज के अंदर, तो 3,000 का प्रॉफिट 13,000 पर कितना परसेंट से होगा, तो आप यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो आप बोले भाई 3,000 का प्रॉफिट हुआ है 13,000 पर, परसेंटेज निकाले मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब आगे करो कैलकुलेट, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 300 के अंदर 13 का डिवाइड करो, आंसर आएगा आपके पास 2 टाइम पूरा भाग चला जाएगा। तो आप देखो 13 × 2 = 26, यानी दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गए, 15 और 18 तो, और ये भी नजदीक नहीं, आपका आंसर कौन सा आएगा 23.08, एक ही ऑप्शन बच रहा जो बिल्कुल नियरेस्ट लग रहा है आपको, तो एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन आपको बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो आपको बोला कि एक आदमी सांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है और धारा की चाल आपको दे रखी है 4.5 किलोमीटर। फिर बोला कि उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल मिला के 2 घंटे का टाइम लगता है, तो आपको बतानी है कि कितनी दूरी पर स्थित है वह स्थान, यानी कितनी दूरी इसने देखी कि एक स्थान से जाएगा दूसरे तक, तो टोटल मिला के कितनी दूरी होगी। तो आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया होगा कि डिस्टेंस को मान लेते हम डी, कि यहाँ से यहाँ तक गया है और वापस आया है। तो जाते टाइम देखो एक टाइम तो धारा इसके साथ में बहेगी और एक टाइम धारा क्या होगी विपरीत, तो एक तरफ तो डाउन स्ट्रीम, एक तरफ वापस आते टाइम अप स्ट्रीम। तो आपने देखा कि आदमी की चाल नाव की कितनी है 10 किलोमीटर पर आर और पानी की कितनी है 4.5। तो जाते टाइम आपको टाइम कितना लगा डी अपॉन, कि अगर जाते टाइम एड कर लें कितना आएगा 14.5, और इसी दूरी को जब वापस आते टाइम तय करेंगे तो 10 में से इतना आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बार अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो अब देखो 10 में से 4.5 घटाओ कितना बचेगा 5.5, और कुल मिलाकर आपको टाइम कितना लगा है 2 घंटे। अब आगे सॉल्व करें, डी टू अपने पास कॉमन आ जाएगा। अब एलसीएम लेके कितना आएगा अपने पास में 14.5 × 5.5, और ऊपर एलसीएम लेंगे 1 एंड 1 है तो ये दोनों ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, कि 5.5 + 14.5 इक्वल अपने पास बचा है 2। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करो 14 और 5 19 और 0.5 एंड 0.5 20 हो गया टोटली। तो डी का मान अपने पास कितना आएगा 2 × 14.5 × 5.5 अपॉन बचा आपके पास है 20, और 22 से कटेगा 10 टाइम। तो अब देखो आपका आंसर 14 × 5 = 70, और इसमें भी 10 का डिवाइड होगा। अब देखो आपके पास में 70 प्लस आंसर आना चाहिए 7 point something, तो ये दो तो आपके ऑप्शन गलत हो गए। अब 8.9, ये 9 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्या आपको इतना आंसर आ सकता है। अब देखो अगर आप 14.5 और 5.5 हैं, अगर 6 भी माना जाए तो 14 × 6 = 8.4 आएगा, यानी ये आंसर तो और भी अधिक जा रहा है, आंसर आपका सी ही होगा, नियरेस्ट मान आप लगा सकते हैं, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में एसएससी के अंदर वापस क्वेश्चन आने लगे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का अकॉर्डिंग, कि इक्वेशन किस हिसाब से बनाई जाए, और इसमें बोला आपको कि निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए समीकरण का असंख्य हल होगा, इनफाइनाइट आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखो जब भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें, तो आपका आंसर होगा a1 / a2 बराबर होगा b1 / b2। दो इक्वेशनों की बात की जाए तो a1 / a2 इक्वल होगा b1 / b2, यानी आपके पास एक इक्वेशन ये रहेगी, यानी 17x + my + 102 = 0, और दूसरी इक्वेशन आपके इक्वेशन में भी गिवन है कि 23x + 299y + आपको देर की 138 = 0। तो इस इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि भाई a1 b1 ये है क्या, तो a1 को मतलब ये इसका मान दो था a1 यानी 17x का,
ये अपने पास होती बी वन और ये अपने पास होती सी वन और ये होता ए टू बी टू एंड सी टू, ये आपका इक्वेशन मान होता है। अब यहां से आप पुट करेंगे तो आपने देखा कि A1 का मान कितना है 17, A2 का मान 23, B1 का मान M होगा और B2 का मान 299। अब आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो 23 का डिवाइड देखो 299 में कितनी बार भाग जा सकता है, तो आपने देखा भाग जाएगा एक बार 6, तो पूरा पूरा भाग जा सकता है, वन टाइम चला गया 6, अब भाग जाएगा 13 बार, तो M का मान अपने पास कितना आएगा 17 × 13, 7 × 3 = 21, यानी ऑप्शन सी के अंदर ही लास्ट डिजिट 1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, M का मान आएगा 221। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके पास में पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि ए बी सी ने कुछ निश्चित निवेश किए हैं और उनकी समय आपको टाइम का रेशियो दे रखा 3:2 and 7 और फिर आपको ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो है 4:3 and 14। तो अब आप उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको बताना है, तो अब ध्यान देना कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू होता आपका प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि आप इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता प्रॉफिट। तो इसी में आप यही समझेंगे आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है कि आप प्रॉफिट के अंदर टाइम का डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे डिवाइड, तो आपके पास ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो आप बोलेंगे टाइम का प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इतना है 4:3 and 14 और इसके अंदर आप डिवाइड करेंगे टाइम का 3:2 and 7 और अब आप निकालेंगे इसका रेशियो आपस में, तो आपने कहा 7 का 14 डिवाइड 2 टाइम हो चुका है। अब यहां से रेशियो आपका ये भी सही है लेकिन आपको इस फॉर्म के अंदर बनाना है, तो अब देखो अपॉन में 3 and 2 है, इसको हटाना पड़ेगा, तो 3 and 2 को तभी हटा पाएंगे जब आप इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 and 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब आप जैसे सभी के नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने देखा 4/3 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8, इसको 3/2 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 9 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आंसर 12, तो आपका आंसर कितना आएगा 8, 9 और 12। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, प्रॉफिट के अंदर टाइम का डिवाइड करेंगे, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा उसके अंदर टाइम का रेशियो का डिवाइड करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बोला कि बाइक इज सोल्ड फॉर RS 87,500 बाई अलाउंग ये डिस्काउंट ऑफ 44%, कि इतना आपने डिस्काउंट देने के बाद में इस रुपए के अंदर बेचा है, तो आपको पूछा गया इस बाइक का मार्क प्राइस कितना होगा, कि डिस्काउंट से पहले इसका प्राइस कितना था, तो आपने देखा जब आपको 44 का डिस्काउंट दे दिया गया है तो बेचा कितने में होगा, टोटल 100% मार्कअप, 44 का डिस्काउंट, यानी अब आपने कितना, यानी 100 में से 44 घटा लो, तो आपका आंसर कितना होगा कि 56% आपने बेचा होगा, इस परसेंटेज आपने बेचा होगा जिसका मान गिवन है, 100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो आपने कितने बेचा होगा भाई 87,500 में, और ये मान किसका होगा 56 का और आपको मान किसका निकालना है 100 का, तो आप देखो 56 का डिवाइड करो इसके अंदर, क्या भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 7 से कट कर दो, 7 का भाग 8 बार जाएगा, इसमें 7 का भाग 1 बार कैरी 1, 17 में 7 का भाग 2 बार 3, 5 and 00, अब 8 का भाग और दे दो, तो आपने देखा 12,500 × 100 इसके अंदर 8 का भाग दे देते हैं, पूरा एक साथ कैलकुलेट करके फिर ही भाग दे देते हैं ताकि पॉइंट आएगा तो अभी काट देंगे, तो 8 का भाग जैसे आपने दिया तो 12 एक में जाएगा नहीं, 12 के अंदर एक बार बचा 4, 45 में 8 का भाग 5 बार 40, फिर बचा अपने पास 5, 8 का भाग जाए 6 बार 48, तो आप देखो ऑप्शन में नज़दीक कौन है 156, तो दोनों के अंदर ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब आगे बचा 2, 8 का भाग जाएगा 2 बार 4, 8 का भाग 5 बार और 0, तो आपका पूरा आंसर आ गया 156 to 50। इस तरह से आपको आंसर निकालना है कि डिस्काउंट के बाद में कितने में बेचा, उसका मान गिवन था और पहले मार्क प्राइस का आपको निकालना था।
अगला क्वेश्चन देखो आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मल्टीपल आपको दे रखा है और उनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी गिवन है। आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्या होगी, यानी ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल होंगे इस नंबर वाले। तो आपको देखना है कि जब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 होगा तो एक नंबर आपके पास 10A होगा, तो दूसरा नंबर आपके पास में 10B होता है। फिर आपको ये याद भी होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहां पर आपको देखो एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो कितना आएगा आपके पास में 10 इंटू ए इंटू बी, और आपका एचसीएफ कितना आएगा 10 इज इक्वल आपने दोनों संख्याओं को मल्टीपल कितना है 1500। तो आपने देखा ये जो आपने कोप्राइम नंबर लिए थे ए इंटू बी, इसका मान कितना आएगा आपके पास 15, कि ए और बी का मल्टीपल 15 आना चाहिए। और अब इनके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए, कि ऐसा नहीं करना आपको 15 ले रहे हैं कि कोई संख्या कॉमन आ जाए तो भी नहीं करना है। तो आपने देखा ए का मान अगर 5 होगा तो बी का मान 3 होगा, कोई कॉमन नहीं है। अगर ए का मान 15 होगा तो बी का मान 1 हो सकता है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा पेयर बनेगा ही नहीं। तो आपके पास संभावित जोड़े भी कितने बनेंगे, दो जोड़े ऐसे बनेंगे जिसके अंदर दोनों को प्राइम का मल्टीपल 15 होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन है तो बहुत आसान लेकिन आप इसकी लैंग्वेज को समझेंगे। कि आपको बोला कि एक आयताकार पारक है, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक आयताकार पारक है और इसके अंदर एक रास्ता बनाया जाए 1 मीटर चौड़ा, कि 1 मीटर चौड़ा आप रास्ता बनाएंगे इसके अंदर। तो लो आपने ये रास्ता बना लिया, अब ये रास्ता है 1 मीटर चौड़ा और पहले आपको इसकी लंबाई दे रखी थी 120 मीटर और इसकी चौड़ाई दे रखी थी 104 मीटर। फिर आपको बोला है कि जो पार्क के क्षेत्र को पूरी तरह से भीतर रहता है और इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की चार दीवारी के साथ चलते हैं और रास्ते के अंदर से किनारों की नगण्य मोटाई यानी कोई मोटाई नहीं है और आप एक सफ़ेद रेखा खींचते हैं, यदि प्रत्येक मीटर पर सफ़ेद रेखा पहुंचने का खर्च आएगा वो 2.5 मीटर से आएगा, 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से आएगा। तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरह से पहुंचना, यानी इस किनारों को आपको पहुंचेंगे, ये जो इसकी साइड है इस किनारों को आप पहुंचेंगे तो आपके पास टोटल कितना खर्च आएगा, यानी बस इस लंबाई को ही निकालना है। तो आपको क्या होगा, अंदर वाले का पेरीमीटर निकाल के 2.5 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपने देखा कि साइड तो आपको बाहर वाले की दे रखा है लेकिन 1 मीटर चौड़ा है तो 1 कम हो जाएगा, कि 1 मीटर इस साइड से और 1 मीटर इस साइड से कितना हो जाएगा 118। सेम इसी तरह आप 104 हैं तो 1 मीटर और 1 मीटर कम हो गए 2 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 102 मीटर। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको बोला कि इस पूरे पर खर्च किस हिसाब से आ रहा है, 2.5 यानी 2.5 को आप लिख सकते हैं 5/2, तो 2 से 2 कट गया, 118 और 102 कितने हो जाएंगे 220, 220 को आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपका आंसर कितना है 22 × 5 110 और 0 आपका आंसर आ जाएगा 1100 रुपये, कि कुल मिला के आपका टोटल खर्च कितना आएगा 1100 रुपये का खर्च आएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल लैंग्वेज को समझना था कि यहाँ पर इसने बोला था नगण्य मोटाई यानी इसकी लंबाई मोटाई कोई कुछ भी नहीं है, जो आपने रेखा खींची है उसकी मोटाई नहीं है, तो ओनली ऑन आपको पेरीमीटर ही निकालना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बोला कि 350 टोटल अंडे थे उसमें से 12% खराब हो गई तो बचे कितने, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे टोटल 350 जब 12% खराब हो गए तो बच्चे कितने 88% हटाऊंगा अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, आगे भी नंबर काट लो 5 से कटेगा 7 × 5 से 2 2 से कटेगा 44, 7 × 44 7 × 4 28, तो 8 तो दोनों में पूरा मल्टीप्लाई करो 280 और 7 × 4 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 308, क्योंकि ये तो आंसर वैसे अधिक है 350 से, तो ऑप्शन एक ही बचता आपका। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला कि 3 साल के अंदर 8000 पर 2 बैंकों में साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 800, तो दोनों रेट के बीच का डिफरेंस आपको
बताना था। तो आपने बोला कि पहली बार भी प्रिंसिपल 8000 ही और इस पर ब्याज लगा इस रेट परसेंट से, 3 साल का ब्याज, और फिर वापस आपने 8000 पर ब्याज लगाया है स्मॉल आर के हिसाब से 3 साल का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा आपके पास है 800 रुपये। जैसा क्वेश्चन बोला गया सेम डिटो लिख दिया गया, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100 आपका ब्याज होता है। अब इसको देखो आगे कैलकुलेट करेंगे आप, आपने देखा 20 से यहाँ पर 20 कट गए, यहाँ पर कितना बचा 8 × 3 = 240 आर, माइनस कितना होगा आपके पास में 240 स्मॉल आर, इक्वल आपके पास है 800। अब देखो आर माइनस आर कॉमन लिया जाएगा, 240 कॉमन आ गया और 240 इस साइड आते डिवाइड हो जाएगा। अब करो कैलकुलेट, 0 से 0 कट गए, 8 का भाग जाएगा 10 बार, 8 का भाग जाएगा 3 बार, 10/3 आपका आंसर 3/1/3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, दोनों रेट का आपको डिफरेंस ही निकालना था। तो अब देखो इसका क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान से ही कर सकते थे कि 800 जो आपका ब्याज है, 8000 कितना आ रहा है 10%, और 3 साल की बात करें 3 का डिवाइड करते तो आपका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता था। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट निकाल लेते कि 800 का ओवरऑल काउंट करो 10%, 3 साल के अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपको देख रहा 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, कि आपको इनके क्यूब करना है और फिर क्यूब का आपको एवरेज निकालना है। तो क्यूब का एवरेज कैसे निकालते, आपके पास फॉर्मूला होता है n × n+1² / 4, n × n+1² / 4, ये इसका फॉर्मूला होगा, आप सभी याद रखेंगे। n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल संख्या कितनी है 5, तो आप लिखते हैं 5 × 5+1 6² = 36 / 4, तो 4 का भाग देगा 9 बार, 9 × 4 = 45 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने थे। अगला क्वेश्चन देखो आपको बिल्कुल आसान, देखो मेंस के अंदर आपको इतना आसान क्वेश्चन पूछा सिंपलीफिकेशन का कि भाई 1681 किसका स्क्वायर होगा, तो आपने देखा ये तो स्क्वायर होता 41 का, तो 41 के साथ 8 ऐड करो 49 हो जाएगा, तो 49 किसका रूट होगा, 49 स्क्वायर होगा 7 का, 7 का स्क्वायर 49। अगला क्वेश्चन देखो सिंपलीफिकेशन, फिर एक क्वेश्चन आसान से दे दिया, तो आपको इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले और उसमें सबसे पहले करेंगे छोटा वाला ब्रैकेट, तो 25 − 13 − 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा 13 और 12 = 25, 25 में 25 गया 0। अब देखो यहाँ पर बचा अपना 56, तो 40 में से 56 घटाओ कितना बचेगा −16, अब माइनस का 16 बार वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 16, तो 30 और 16 आपका आंसर 46, ऐसे आपको सॉल्व करना था। फिर देखो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई 2-3 क्वेश्चन लगातार आपको बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, कि आपको बोला कि इस अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका आपको अंक गणितीय मान समांतर माध्य निकालना, एक आप एवरेज भी बोल सकते हैं जब आपको इस तरह से डायरेक्ट डाटा दिए जाए, समांतर माध्य आपको इस तरह से आंकड़े दिए जाए, आपको क्या करना है कि सभी को ऐड करके जितने नंबर है उसका करते हैं डिवाइड एक एवरेज की तरह, तो आपके पास इसका एवरेज कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा सभी को ऐड कर लो 23 + 17 + 20 + 19 + 21, और टोटल संख्या कितनी आपके पास में 5, तो 5 का करेंगे डिवाइड। अब देखिए 23 और 17 आपके पास हो गए 40, 60 और 2 = 80 = 20 = 100 हो गए, 100 में 5 का भाग 20 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 105 का डिवाइड आंसर आपका 20। फिर से एक बहुत आसान सा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपको बोला है sin 25 − cos 25 and cos 65, तो आप देखो आपको पता होता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन अगर मैं 90 में से 25 घटाऊं तो 65 आता है, यानी ये भी कितना हो जाएगा कॉस 25, और ये कॉस 25 कॉस 65 आप लिख सकते हैं साइन 25, तो दोनों डाटा एक जैसे, इसमें से इसको घटाओ क्या बचेगा पीछे 0। बिल्कुल आसान सा आंसर आपके पास।
अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि आपका प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, जिसको आप 20% से एक साल का ब्याज, लेकिन आप ब्याज किस हिसाब से काउंट करोगे, हाफ ईयरली। तो आपने देखा अभी एक साल की बात करें, हाफ ईयरली जब आप काउंट करोगे रेट आधी हो जाएगी हाफ ईयरली के अंदर, तो 20 की जगह रेट आप कितनी लिखोगे, आप 10%। और एक साल के अंदर आप ब्याज कितनी बार काउंट करोगे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, 2 बार, यानी हर 6 महीने के बाद एक साल में 2 बार आप ब्याज काउंट करोगे। तो आप बोलेंगे भाई 2 बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 साल की सक्सेसिव रेट कितनी हो जाती है, 21%। तो 8,000 को आपको 21% निकाल लो, ये आपका प्रिंसिपल, इसका 21% आपका ब्याज हो जाएगा। तो 21 into 8 168, तो 1680 ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है ज्योमेट्री का, जरा ध्यान से समझेंगे आप इस क्वेश्चन को, लॉजिक को, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको बोला कि ए बी सी 3 पॉइंट है इस प्रकार कि ए बी की लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, बी से सी की लेंथ 11 और ए से सी की लेंथ है 20। तो इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले कितने सर्किल बनेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो आपको एक बात ध्यान देनी कि अगर ट्रायंगल बनेगा तीनों पॉइंट से तभी सर्किल बन पाएगा, वरना सर्किल नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनना चाहिए तभी सर्किल बनेगा, और ट्रायंगल का फॉर्मूला बात है कि दो साइड का सम तीसरी से अधिक और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से कम होना जरूरी है। तो आपने देखा भाई 9 और 11 की बात करें, ये तो 20 के बराबर होगा, 9 और 11 20 के बराबर होता, यानी दो साइड का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तीसरी के बराबर होता है, तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो सर्किल भी नहीं बनेगा। तो सर्किल की नंबर कितने होंगे, 0 संख्या होगी, कि कोई सर्किल बनेगा ही नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बोला कि एक लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन पूछा गया। तो आप ध्यान देंगे इस तरह से कि आपके पास एक स्पेयर है, सॉरी क्यूब है, और क्यूब में से आप एक गोला काट रहे हैं। तो यहां से समझेंगे आप कि इसकी जो डायमीटर होगा और इसकी जो साइड होगी, क्या दोनों बराबर हैं? तो आपने देखा इसकी साइड टोटल 21 है, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 21/2। तो स्पेयर की रेडियस अपने पास 21/2 आई, और इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। और पाई का मान क्वेश्चन बोला गया 22/7 आपको लेना है, करो आगे सॉल्व। तो आपने लिखा 4/3 अपनी जगह पर, पाई का मान 22/7 है, और रेडियस अपने पास कितनी है 21/2, तो आप इसका करेंगे क्यूब, तो 21/2 × 21/2 × 20/2 आपका अब आंसर आ जाएगा। अब करो इसको काट पीट के छोटा, तो आपने देखा 7 × 3 तो 21 कट गया, 2 × 2 4 से 4 कट गया, 2 का डिवाइड 22 में 11 टाइम, अब बचा आपके पास में 441 × 11, यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 1 तो ऐसे ऑप्शन में 3 में है, तो आपको ये तो नहीं लगाना डायरेक्ट, आपको मल्टीप्लाई कर लो 441 × 11। अब 11 का भाग देना आसान है, पहला डिजिट 1, 4 and 1 5, 4 and 4 8 and 4, आपका आंसर कितना होगा 4851। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है कि भाई क्यूब की साइड होगी और वो बराबर होती हैं स्पेयर के डायमीटर के बराबर, तो रेडियस जस्ट उसका साइड का आधी हो जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें आपको पूछा गया है मोड, यानी बहुलक के बारे में पूछा गया है। तो आप इसका सॉल्व करेंगे कि जब भी आपको इस तरह टेबल के आधार पर डाटा दिए जाएं और आपको मोड पूछा जाए, तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो यह आप समझेंगे। मोड का फॉर्मूला होता है L+F1 − F0 अपॉन होता है 2F1 − F0 − F2, मल्टीप्लाई करते हैं आप H का, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इसकी बात को आप समझेंगे,
आपको देखना इस फ्रीक्वेंसी के अंदर कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी आपके पास में, 7, 6, 9, 11 और 10 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 11 है, तो इसको आप मानते हैं एफ वन और इसके सामने वाली साइड यही अपने पास होगी एल यानी लोअर सीमा। अब इससे पहले वाला ये तो होगा एफ जीरो और बादल हो जाएगा एफ टू और यहां पर एक नंबर आया एच। एच का मान होगा कि इन जो ग्रुप बन रहा है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वही अपने पास आएगा एच यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 5 वो आपके पास होगा एच। तो अब यहां से आप इसका मोड निकालेंगे कि अब आपका बहुलक कितना होगा, एल का मान कि इसकी लोअर सीमा कितनी होगी 25 प्लस आप लिखते हैं एफ वन माइनस एफ जीरो। एफ वन कितना 11 माइनस एफ जीरो 9, 11 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 2 अपॉन क्या होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कि 11 का डबल 22, 22 में से 10 और 9 19 घटाओ कितना बचा आपके पास में 3 और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे H से। H का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा हर बार, वर्ग अंतराल 5। अब देखो 25 प्लस देखो 5 × 2 10/3 यानी 3.33 आपका आंसर होगा। इस तरह 25 और 3 28.33 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो आप ये फॉर्मूला जरूर नोट करेंगे बहुलक का, क्योंकि आगे एग्जाम में अंदर आएगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मोड निकालते हैं। अब देखो आपके पास में इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आपके पास में मिक्सर का क्वेश्चन है कि भाई 40 लीटर ऑफ मिल्क आर कैप्ड इन ए कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर आपने 40 लीटर दूध रखा है और इस पात्र से 4 लीटर आपने दूध निकाल दिया गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी आपने दूध को निकाला है और पानी मिला दिया गया और यही प्रक्रिया आपने 2 बार और दोहराई गई, यानी कुल मिला के कितनी बार कर लिया 3 बार। तो आप देखो इसमें भी आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि आपके पास में फाइनल क्वांटिटी होगी, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू होगा आपके पास में इनिशियल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करते आप 1 माइनस जितना आपने निकाला है अपॉन होगा टोटल, इसकी पावर कितनी करेंगे n यानी जितनी बार आपने इसको दोहराया है। तो आपका आंसर कितना होगा कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 40, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 4 लीटर आपने निकाला किसमें से 40 में से, कितनी बार दोहराया है 3 बार, तो आपने पावर भी कितनी लगाई है 3। अब देखो आप इसको एलसीएम से करेंगे तो 1/10 में से 1 गया तो 9/10, तो आप लिखेंगे 40 × 9/10 और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई 3 बार, आप इसका क्यूब कर लेंगे। अब आगे आप बताएंगे आंसर, तो अब देखो आपको 0 से 0 कटता नजर आ रहा है, अब ऊपर बचा 4 × 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा 729, तो आपका आंसर होगा 4 × 729 अपॉन बचा आपके पास 10 × 10 100। अब 4 से मल्टीपल करके आपको 100 का डिवाइड करना था। अब देखो 729 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो इन ऑप्शन की बात करें 7 × 4 = 28 और 4 × 2 = 8, तो इसको मल्टीपल करो 4 × 9 = 36 और 6 से देखो तो ऑप्शन एक ही लग रहा है, क्या पता नीरेश मान दिया जाए। आगे और सॉल्व करते हैं 9 × 4 = 36 रिमाइंडर 3, 4 × 2 = 8 और 3 = 11 कैरी 1, 7 × 4 = 28 और 1 = 29 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 100 का डिवाइड, तो आपका आंसर कितना आएगा 29.16 लीटर। तो अब देखो आपके सामने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप एक बार वापस से पढ़ लेंगे जिस क्वेश्चन को आपको लगे कि भाई मेरे को वापस पढ़ना चाहिए। बाकी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आसान था, कोई क्वेश्चन लेंथी नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन थे कि जिसको आपको समझना पड़ेगा, कि समझने के बाद में क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो आप पूरे सेशन तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आप कंटिन्यू रहेंगे इसी तरह से, हम इसी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और भी मेंस के क्वेश्चन करेंगे, पेपर करेंगे, क्योंकि ये तो 2 तारीख हुआ था, आगे 3 तारीख 6 तारीख और 7 मार्च को भी एग्जाम हुए, तो 3 पेपर अपने पास सीजीएल मेंस के भी बाकी हैं, उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में भी देखो प्रीवियस ईयर के अंदर जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए उनको भी लाएंगे। तो आप सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपना कमेंट करेंगे, धन्यवाद।